हाय, मैं एक्ट्रेस गैना वशिष्ठ और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे ऐप को बहुत पसंद किया है। और जो मेन रीजन है हमारे ऐप का ये है कि हमारे यहाँ बोल्ड कंटेंट तो है, बट एट द सेम टाइम पे हमारे यहाँ बोल्ड कंटेंट के साथ में स्टोरीज हैं जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप बेस्ड पे स्टोरीज बनाते हैं कि इसका अफेयर वहाँ पे हुआ, रीजन क्या था। हमारे यहाँ अगर कोई किसी को डिच भी कर रहा है तो उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग है। और हम बहुत ज़्यादा बोल्ड कॉन्टेंट शूट करते हैं विद इन 3 मंथ्स, नॉट इवन 3 मंथ्स। मेरे सब्सक्राइबर 2 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं एंड आई एम श्योर कि 1 साल में ये मिलियंस तक पहुंच जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि ये दुनिया में आपका ये पहला हुआ है? हाँ, इस केस में ये मेरा पहला ऐप है जो कि पर्सनल भी है और उसमें मैं बहुत सारी स्टोरीज भी बना रही हूँ, बाकी लोगों को भी काम दे रही हूँ। और जो हमारा जो मेन कंसर्न होता है कि हम उन लोगों को काम दें जो टैलेंटेड है बट उन्हें काम नहीं मिलता क्योंकि उनके पीछे कोई गॉड फादर नहीं है। तो हम लोग सबको काम देते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे वो DOP हो, एडिटर हो, आर्टिस्ट हो। हम लोग पूरे इंडिया में टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं अगर वो बोल्ड में कंफर्टेबल है। वी आर वेरी क्लियर कि हमको टॉपलेस शूट करना है, हमको बोल्ड शूट करना है, उनकी मर्जी से। अगर वो बोल्ड में कंफर्टेबल है तो हम उनके साथ शूट करते हैं और हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम सबको काम दें। 1 मंथ में मैं 4 स्टोरी शूट करती हूँ और कम से कम भी तो मैं 100 से 150 लोगों को काम देती हूँ हर महीने। और आपके आपके साथ काम करने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? उनको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे gehna_vashisht पे एक मैसेज छोड़ दें कि जैसे सपोज कोई आर्टिस्ट है तो वो अपनी कुछ 5-6 फोटोज भेज दे, अपना इंटरेस्ट फैक्टर बता दे और अपनी कंफर्टेबल लेवल बता दे कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल है और वो बॉम्बे बेस्ड है, वो कैसे बेस्ड है। तो हम जो भी नेक्स्ट स्टोरी बनाते हैं और अगर वो उसमें फिट है हमारे क्राइटेरिया में तो हम बुलाकर बाकायदा एक मीटिंग के बाद पेमेंट देकर सीधे हम शूट करते हैं। ना तो हम मीटिंग के लिए टाइम पास करते हैं, ना हमें फोटोज में बहुत ज्यादा बोल्ड फोटोज चाहिए, ना हम किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ काम करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ये कह दें कि आप कंफर्टेबल हैं बोल्ड करने में और आपको एक्टिंग आती है तो आप आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं। अगर आप DOP हैं और आपने पहले कुछ किया हुआ है तो आप अपने लिंक्स भेज दें। अगर आप एडिटर हैं आप अपने पहले का काम भेज दें। हमारे यहाँ सारी पेमेंट सेम डे हो जाती है और कई बार हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप सिर्फ अप्रोच करिए, हाय हेलो हाउ आर यू मत लिखिए,
आप अपना टैलेंट बताइए, आप कितने एक्सपर्ट हैं और आप हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में काम कर सकते हैं। इतना इतना आप तो बोल्ड सिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई कहीं से दिक्कत आती है, कहीं से कोई आपको मैसेज या कुछ भी? नहीं, जेन्युइनली मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्या है, जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है, जब से लोगों के हाथ में फोन आ गए हैं, तो और आपको ये भी पता है कि आज का जो आधुनिक वर्ल्ड है, यहाँ पे हर कोई अकेला है। किसी की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई है, किसी की बीवी, किसी का पति, किसी का बॉयफ्रेंड, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन है। तो उसे लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो देख कर सुकून से सो सके, उसे बहुत अच्छा लगे। तो हमारा ऐप इन चीज़ों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही हो तो आप हमारा ऐप देखिए। बेसिकली मुझे मैसेजेस थैंकफुल के आते हैं, बहुत खुश हैं लोग। मुझे हर दूसरे दिन कम से कम 20 से 22 लोग अप्रोच करते हैं कि वो मेरे साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो मुझे फंड करना चाहते हैं। बट मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहूँगी कि मुझे किसी से फंड नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहिए, मैं खुद ही प्रोड्यूस करती हूँ, मैं खुद ही फंड करती हूँ। आप सिर्फ मुझे इसलिए अप्रोच करिए कि आप काम करना चाहते हैं, और थैंकफुल हमेशा वेलकम है। अगर आपकी कोई शिकायतें हैं तो भी आप मुझे बताइए, एंड हम सॉफ्ट रोमांटिक टर्म्स बना रहे हैं, हम पॉन नहीं बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्टोरीज होती हैं। अब सपोज मेरी स्टोरी है 30 मिनट की, तो मेरे यहाँ कम से कम भी 27 मिनट की एक प्रॉपर स्टोरी होगी। 3 मिनट का बोल्ड सीन होगा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। डिजिटल पे कोई आदमी फोन लेके बैठा हुआ है तो आई एम श्योर कि उसे भाई भाभी के झगड़े नहीं देखने, सास बहू के नाटक नहीं देखने। तो जो उसे चाहिए वो हम देते हैं, लेकिन हम एक स्टोरी के माध्यम से देते हैं। आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। ट्यूसडे को मेरा एक प्रोजेक्ट रिलीज है जिसका नाम है क्यू कट गया। मैं उसकी प्रोड्यूसर हूँ और ये रिलीज होने वाला है हॉट शॉट्स ऐप पे। और ये कहानी है 4 लड़कों की जो घर पे बैठ करके XXX पॉर्न देख रहे हैं और इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इन दैट केस ये लोग एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं और वन बाय वन सबके जो एक्सपीरियंस है आप उसे देखोगे, और एंड में आपका नहीं, विश्वास मानिए आपका नहीं, चारों का कैसे चूतिया कटता है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो हम टाइटल चूतिया कट गया नहीं रख सकते थे, तो इसलिए वी हैव कैप्ट क्यू कट गया। एंड आई एम श्योर ये मेरी प्रीवियस फिल्म जैसे एल लग गए, ऑनलाइन नेश, जिंदगी झंडे की तरह सुपर हिट होगा और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत है ना किसी की। आप में अगर टैलेंट है तो मुझे लिख भेजिए gehnavarshit16june@gmail.com पर। आप में मुझे अगर 0.1% भी टैलेंट दिखाना तो मैं आपको काम दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं ऐसा कि आपका मुझे पोर्टफोलियो चाहिए, आप पोर्टफोलियो में पैसे खर्च करें कोई ज़रूरत नहीं है। आप शोरील बनाए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ऑडिशन वीडियो शूट करके भेजिए, आपको कुछ खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुझे आप अपनी प्रोफाइल ड्रॉप करिए, किसी भी फील्ड में है आप, मैं आपको बैक टू बैक काम दूंगी। बट मेरी एक छोटी सी कंडीशन है कि मुझे बोल्ड ही चाहिए, और अगर आपके पेरेंट्स, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी बीवियाँ, आपके पति अगर आपके इस काम से खुश हैं तो ही मुझे अप्रोच करिए। मैं नहीं चाहती कि आप चोरी चुपके मेरे साथ काम करें और बाद में ये लोग मुझे ढूंढें। थैंक यू। मैं रीजन बताती हूँ, होता क्या है, हर चीज का दौर होता है। आज से 20 साल पहले सैटेलाइट पे चैनल आए थे, बहुत सारे, वो अपना एक दौर था। उसके पहले एक समय था जब जो गुंगी फिल्म थी वो आई, फिर कलरलेस फिल्में आई, फिर कलरफुल फिल्में आई, फिर फिल्मों में गाने आए, फिर एक टाइम आया जब सब्जेक्चुअल फिल्में चलने लगी। आज वो दौर है जहाँ पे लोगों को स्टार्स नहीं देखने हैं, यहाँ पे लोगों को टैलेंट देखना है। लेकिन वो टैलेंट वो सब बड़े लेवल पे बड़े सिनेमा में होता है, वहाँ भी उन्हें करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी खर्च करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देने होते हैं, थिएटर्स बुक करने होते हैं, और उसके बाद भी अगर छोटी सी भी कुछ कमी रह गई तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर फ्लॉप हो जाते हैं। मेरे केस में क्या है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा तो काम कर नहीं रहे, कि अरबों खरबों का काम है, हमारा तो लाखों में गेम है। अब ऐसे केस पे सपोज मैं प्रोड्यूसर हूँ या कोई और प्रोड्यूसर या कोई भी है, तो उसके पैसे सेफ होंगे तब हजारों का घर चलेगा,
क्योंकि अगर प्रोड्यूसर जिंदा है तो पूरी टीम जिंदा है, और लोग अगर मोबाइल पे डिजिटल पे अगर कोई चीज देख रहे हैं तो ये बहुत समझ वाली बात है। आप लोग भी अगर कुछ देख रहे हैं रात को 2 बजे, आप कभी नहीं देखोगे कि बीवी भाई झगड़ रहे हैं, सास अपनी बहू को मार रही है, वो उसको उल्टा कलमुही ऐसे गालियां दे रही है, नो बडी वॉन्ट्स टू वॉच दैट। सबको बोल्ड देखना है। मैं आपको इस चीज का एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दूंगी। मेरा छोटा भाई है, वो इंजीनियर है, उसकी 12 साल से एक ही गर्लफ्रेंड है। मैं रात को कई बार उसको फोन हाथ में लेकर देखते हुए देखती हूँ, एंड आई एम श्योर कि वो क्रिकेट मैच, बिग बॉस या वो कोई ऐसी चीज तो नहीं देख रहा होगा जिससे उसको और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। तो जब मेरा सगा भाई ऐसी चीजें देखता है तो मैं चाहूंगी कि बाकी बहनों के भाई भी बोल्ड ही देखें और खुश रहें, और मुझे दुआएं दें जब उन्हें सुकून वाली नींद आए, जब उनके सपनों में परियां आ रही हो और मेरी सीरीज की परियां उन्हें सेटिस्फाई कर दें। तो मैं लोगों की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए ये स्टोरीज बनाती हूँ। इस तरह लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, इस तरह लड़का लड़कियां करें, कैसे कांटेक्ट करें वो आप ही बोलेंगे।